ये खबर आपको बताते हैं, उन्नाव रेप कांड में विधायक दोषी करार दिए गए हैं। तो आपको बता दें, विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो उन्नाव रेप कांड पर एक बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली से आपको बता रहे, विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार दिए गए हैं। तो दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दोषी ठहराया है। नाबालिग से रेप और अपहरण का चल रहा था मामला, जिसके चलते आपको बता दें कि विधायक पर को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप कांड के मामले से जुड़ी खबर। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए गए हैं। तो दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप और अपहरण का चल रहा था मामला, जिसके चलते विधायक कुलदीप सेंगर जो है वो दोषी घोषित हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्नाव रेप से बता दें, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए गए। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने ठहराया है दोषी। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव रेप कांड पर एक बड़ा फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि 30,000 कोर्ट ने दोषी ठहराया है विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को। तो आपको बता दें, नाबालिग से रेप और अपहरण का चल रहा था मामला, जिसके चलते लगातार सुनवाई भी चल रही थी, जेल में भी थे, और अब एक बड़ा फैसला आया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे हमसे जुड़े हैं। अमित, जिस तरह से दोषी करार दिया गया है, 30,000 कोर्ट से आदेश आया है, ये दोषी करार दिया गया है कुलदीप सिंह सेंगर, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी चूंकि रिसेंटली खबर है, दोनों में चाहे अपहरण की बात करें या रेप की बात करें, दोनों में दोषी ठहराया गया है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने सजा का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, कोर्ट की तरफ किया गया, लेकिन क्योंकि अब जब दोनों केसों में दोषी ठहरा दिए गए, तो उसके बाद कोर्ट जो है अपना आगे का फैसला सुनाएगा, और साथ ही जो शशि सिंह थे उन्हें इस केस में बाकायदा बरी किया गया है। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन व्यक्ति है जिसको बरी किया गया है? देखिए, शशि सिंह जो है उन्हें इस केस में बरी किया गया है, और कुलदीप सिंह सेंगर जो कि हालांकि बीजेपी सब निष्कासित विधायक है, और लगातार जो है केस खास करके यूपी में ना सिर्फ सरकार के बल्कि पूरे देश में गले की फांस बना रहा, उसके बाद केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। अब कोर्ट इस मामले में 19 तारीख को सजा सुनाएगा। फिलहाल जो है अभी दोषी आज इसे लेके कोर्ट डिसीजन देने वाला था, तो फिलहाल कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया। कोर्ट ने मान लिया कि क्या सुरक्षित रखा गया है, 19 दिसंबर को सजा का अनाउंसमेंट होगा, 19 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों को बताने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली की से आपको बता दें, दिल्ली की 30,000 कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और अपहरण के मामले के चलते दोनों इस मामलों में दोषी करार दिया गया है, और आपको बताते हैं कि वहीं पर शशि सिंह को बरी किया गया है। तो आपको बता दें कि इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी लिया था, कई राजनीति भी हुई थी, और अब जाके आपको बताते हैं कि 19 तारीख को फैसले का ऐलान होगा। जो फैसला अभी हालांकि सुरक्षित रखा गया, अभी अनाउंस नहीं की गई है सजा, लेकिन फैसला जो है वो 19 तारीख को किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बताते हैं, उन्नाव रेप कांड पर एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और उसके अपहरण करने दोनों मामलों में दोषी करार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप कांड में नाबालिग से रेप करने और उसका अपहरण कराने दोनों ही मामलों में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने दोषी ठहराया है, और आपको बता दें कि वही शशि सिंह को बरी कर दिया है, और वही कोर्ट अब 19 दिसंबर को ये अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि फैसला जो है अभी सुरक्षित रखा है, सजा क्या होगी, क्या ऐलान होगा, ये 19 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ठहराया है नाबालिग से रेप और अपहरण के मामले में दोषी।
तो आपको बता दें कि चार्जशीट में देरी को लेकर के सीबीआई को भी फटकार लगी है और सेंगर की सजा को लेकर के 18 दिसंबर को बहस होगी और 19 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगी अपनी सजा। 30,000 कोर्ट ने का बड़ा फैसला आया है उन्नाव रेप कांड को लेकर के। आपको बता दें 5 मुकदमे दर्ज हुए थे जिसमें से ये पहले मुकदमे में दोषी करार दिए गए हैं। तो उन्नाव रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा फैसला सुनाया है दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने, विधायक कुलदीप सेंगर को ठहराया है दोषी। तो नाबालिग से रेप और उसके अपहरण के दोनों के मामलों में दोषी ठहराया है। 5 केस दर्ज हुए थे जिसमें से पहले केस में दोषी ठहराए गए हैं विधायक कुलदीप सेंगर। तो चार्जशीट में देरी को लेकर के सीबीआई को भी फटकार लगी है। आपको बता दें कि सेंगर की सजा को लेकर के 18 दिसंबर को बहस होगी और 19 दिसंबर को कोर्ट सजा सुनाएगी। तो सजा का ऐलान होगा 19 दिसंबर को। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता दें, 30,000 कोर्ट दिल्ली की एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें उन्नाव रेप कांड पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और उसके अपहरण के में दोषी ठहराया है। तो 5 मुकदमों में से पहले मुकदमे में दोषी ठहराए गए हैं विधायक कुलदीप सेंगर। आपको बता दें कि 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिसमें से पहले मुकदमे में दोषी ठहराए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ चार्जशीट में देरी को लेकर के कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई है और सेंगर की सजा को लेकर के 18 दिसंबर को बहस होगी और वहीं 19 दिसंबर को 30,000 कोर्ट अपना सजा का ऐलान करेगी। तो लड़की के अपहरण और रेप केस में दोषी करार दिए गए हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने ठहराया है दोषी और नाबालिग से रेप और अपहरण का चल रहा था मामला। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं